हेलो दियर ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए करेला मसाला की रेसिपी। को पील करने के बाद नमक लगाकर आधा घंटा छोड़ दिया था, उसके बाद आप इसको धो लें। हल्दी 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा पाउडर भुना हुआ 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक, 3 टेबल स्पून लेमन जूस, 3 से 4 टमाटर की पेस्ट, 7-8 कटी हुई हरी मिर्चें और कटा हुआ धनिया, 500 ग्राम प्याज कटा हुआ। इन कटे हुए करेलों को खुले तेल के अंदर आप फ्राई कर लें, क्योंकि इनको डीप फ्राई करना होता है। आप इनको खुले तेल में फ्राई कर लें। बीज बहुत गर्म होते हैं तासीर में, इसलिए मैं बीज इसमें इस्तेमाल नहीं करती। आपने जिस शेप में भी इनकी कटिंग करनी है आप इनकी कटिंग करें, और मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि आप आसानी से हर चीज को समझ सकें। अब एक पैन में प्याज डालें और खाना पकाने का 1 चम्मच, बड़ा चम्मच जो है वो आपने ऑयल का डालना है। आपने इस प्याज को नॉर्मल हीट पे पकाना है। जब ये अच्छे से पक के सौते हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर चीज़ें शामिल करनी है। ग्रीन कटी हुई मिर्चें, उसके बाद आपने ड्राई मसाला इसमें शामिल करना है और इसको साथ साथ आप फ्राई करते जाएं। अब आप इसमें शामिल करेंगे फ्राई किए हुए करेले। यहाँ पर मेरे से वो वीडियो स्किप हो गई है। इसके बाद आपने इसमें शामिल करना है टमाटर और लीमू का रस। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको ढक दें और इसको नॉर्मल हीट पे पकने दें। अब ये हमारे मसाले वाले करेले तैयार हैं। अब आप इसमें शामिल करें कटा हुआ धनिया। मेरे तरीके से बनाने से करेले कभी कड़वे नहीं बनते और बड़े और बच्चे शौक से खाते हैं इसको। ये बहुत अच्छे तैयार होते हैं और ये रोटी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। इसको खाएं और इंजॉय करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बताएं आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।